बीते दिन बिहार बंगाल महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस निकाले जाने पर जुलूस पर पथराव की गई और हिंसा का रूप ले लिया। कहा जाता है कि बंगाल के हावड़ा में, बिहार के सासाराम और नालंदा में तथा मुंबई महाराष्ट्र में रामनवमी की जुलूस निकली थी, जिस पर असामाजिक तत्वों ने रोड़ेबाजी शुरू किए और रोड़ेबाजी के बाद हिंसा का रूप ले लिया। आगजनी और तोड़फोड़ प्रारंभ हुआ। इस घटना के बाद पूरे देश के लोग जहां एक ओर मातहत हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस कार्रवाई करते हुए 144 धारा लागू कर कहीं कहीं नेट की सेवा बंद कर दी है, ताकि इस घटना पर भड़काऊ वीडियो या अन्य असामाजिक तत्व द्वारा विवाद पैदा न किया जा सके। बिहार के सासाराम में रामनवमी के जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, गोली चलने की भी बात कही जाने लगी। और उधर नालंदा में भी चैती दुर्गा के जुलूस पर पथराव शोभा यात्रा पर हुई। नालंदा और सासाराम में चैती दुर्गा रामनवमी के जुलूस पर पथराव किए जाने के बाद विधि व्यवस्था बिगड़ते देख पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्ती लागू की और कई लोगों की गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है। असामाजिक तत्वों को खोजा जा रहा है और उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अग्रसर है। चारों ओर कोहराम और डर का माहौल है। और इसी बीच कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली सासाराम में 2 दिन बाद होनी है, जिसकी तैयारी भी पुलिस को करनी है। नालंदा और सासाराम में चैती दुर्गा और रामनवमी के जुलूस पर पथराव की निंदा चारों ओर हो रही है। लोग इस तरह की घटना से दुखी होकर भाईचारा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक ओर हिंदू मुसलमान भाईचारा की बात है, वहीं कहा जाता है कि असामाजिक तत्व इस तरह की घटना करके बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार को अस्थिर करने के लिए यह षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया है, जिसकी चारों ओर निंदा होनी चाहिए। इस बात की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर कौन ऐसे असामाजिक तत्व थे जो बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उधर बंगाल के हावड़ा की खबर भी आ रही है, महाराष्ट्र मुंबई की खबर आ रही है, चारों ओर यह कहा जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात के बड़ोदरा में भी हिंसा होने की बात कही गई है। अब पुलिस जांच कर रही है और दोषी को गिरफ्तार कर रही है। कई दोषी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। यह तैयारी जोर शोर से पुलिस की जारी है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।